अब शिंदे गुट में भी बगावती सुर दिखने लगे हैं, जो कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार करते ही शिंदे गुट और शिंदे के साथ सरकार में आए निर्दलीय विधायक नाराज हो गए हैं। धीरे धीरे खुलकर शिंदे फडणवीस सरकार के खिलाफ बोलने लगे हैं। अमरावती अचलपुर सीट से प्रहार के विधायक बच्चू कड़ू बेहद ही खफा है। बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले। बाद में कड़ू ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने की अपनी नाराजगी से मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया हूं। कड़ू ने कहा कि राज्य में फिलहाल बागियों का राज है। बगावत करने वालों को पहले मंत्री पद मिलता है, ज्यादा धोखा देने वाला बड़ा नेता बनता है। बाद में बच्चू ने सफाई दी कि मैंने धोखे वाली बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदर्भ में कही थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शपथ लेने के 40 दिनों बाद किसी तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। शिंदे और फडणवीस के 9-9 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर कुल 20 मंत्री हैं, परंतु इनके विभागों का बंटवारा बुधवार की देर रात तक नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे सरकार के साथ बगावत करने वाले शिंदे गुट और निर्दलीय विधायक मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नाराज है। कई लोगों ने सपने सजा रखे थे कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन उनका सपना टूट गया। कड़ू ने कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे ने हिंदुत्व और सेवा के लिए बगावत की है, बगावत में ईमानदारी होनी चाहिए। कड़ू ने कहा कि मंत्री पद न मिलने को लेकर थोड़ी नाराजगी है, लेकिन इतनी भी नाराजगी नहीं है कि शिंदे गुट को छोड़ दूं। पिछले फडणवीस सरकार में मैं राज्य मंत्री था, इसलिए मुझे विश्वास था कि पहले विस्तार में मुझे मंत्री बनाया जाएगा, परंतु शिवसेना से बगावत करके शिंदे गुट में जो विधायक देरी से शामिल हुए हैं, उन्हें पहले मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। जो विधायक शिंदे गुट में सबसे पहले शामिल हुए थे, उन्हें शायद दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में मौका दिया जाए। कड़ू ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि वो मंत्री बनाने का वादा पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि राज्य मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार सितंबर में होगा। मुझे मुख्यमंत्री पर भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।